हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राठौर फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम खुश हो गए और हम भी बहुत खुश हैं। गाइस, हम आज आपको लेके आए राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान में। यहाँ का आपको दिखाएंगे कैसा यहाँ का नज़ारा है, कैसे व्यूज हैं। आप बने रहिए राठौर फैमिली के साथ, चलिए मेरे साथ। गाइस, हम हर्बल गार्डन में आए हुए हैं। यहाँ आपको अगर जो किसी भी चीज़ के बारे में पता चलाना है कि यहाँ कौन सी हर्बल, कौन सी तरीके की वो है जड़ी बूटी है, तो यहाँ स्कैनर लगे हुए हैं। इसको स्कैन करके आपके बारे में पता कर सकते हैं कि ये जड़ी बूटी किस काम आएगी। ये हर्बल गार्डन का नज़ारा है, सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ हैं। और ये इधर भी उगा रखी है। आप यहाँ आए तो सिर्फ इस फुटपाथ पे चलें, पार्क में जाने की मनाही है। एलोवेरा है इसका, तो हमें वैसे ही नाम पता है। ये सौंदर्य प्रसाधन में और कई मेडिसिन में काम आता है। और इधर ये मेथी बो रखी है, मेथी। ये इधर गेंदे के प्लांट लगाए गए हैं, इधर की तरफ ये गेंदा है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भवन में भी बरगद के पेड़ हैं। ये गुलाब है, गुलाब के फूल खिले हुए हैं, अच्छे हैं। गाइस, हम आपको ले चल रहे हैं बोनसाई उद्यान में। यहाँ बड़े वृक्ष जो होते हैं उनको छोटा साइज में डेवलप करके बनाया जाता है। और ये बहुत सारे यहाँ बोनसाई हैं लगे हुए हैं। ये देखिए कितने सारे हैं, अलग अलग तरीके के। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके छोटे छोटे बोनसाई हैं ये। बोनसाई मीन्स बोना पौधा। चलो गाइस, अब हम आपको लेके जा रहे हैं। ये एक म्यूजिकल फाउंटेन है, सामने ही लगा हुआ है, उधर की तरफ जा रहे हैं। और बड़ा ही यहाँ अच्छा नज़ारा है। ये फाउंटेन है, म्यूजिकल फाउंटेन, और इसमें धुन चल रही है, अभी आपको सुनाई भी दे रही होगी। और सारा जो जितने ये चल रहा है ना, ये इसकी धार चल रही है फाउंटेन की, ये म्यूजिक की धुन पे चल रही है, उस पर थिरक रही है ये। इन फुहारों को देखिए आप, कितने अच्छे लग रहे हैं ये यहाँ के वातावरण को। इसकी ध्वनि और जो ये म्यूजिक है ये अलग ही इसमें एक उत्साह बढ़ा रहा है। गाइस, ये फुहारों के अंदर इंद्रधनुष बना हुआ है, देख रहे होंगे आप, इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है इसमें। बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के। ये ऑरेंज का पेड़ है, संतरे का, और बड़े छोटे छोटे संतरे लगे हुए हैं। इसको देख के मन तो कर रहा तोड़ के खा लूँ, लेकिन मना ही है यहाँ से फूल तोड़ना, फल तोड़ना और किसी चीज़ को हाथ लगाना, ये मना है। गाइस, ये सामने आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन है, और ये राष्ट्रपति भवन का नज़ारा है। ये गुलाब के फूल, ये जो आप देख रहे हैं गाइस, यहाँ से ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ सामने फुहारे लगे हुए हैं, दोनों तरफ गार्डन है। ये गुलाब का, गुलाब के फूल हैं, टूलिप्स हैं, डेलिया है, और कई तरीके के अनेक अनेक, मतलब बहुत तरीके के फूल हैं। आप यहाँ आए राष्ट्रपति भवन में तो बैग, थैला या कोई इस तरीके का आइटम ना लेके आए, क्योंकि वो बाहर ही रखवा लेते हैं। गाइस, ये ट्यूलिप्स हैं और बैंगनी रंग के, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ। और अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है इनको, एक रो के अंदर लगा के, और ये अच्छा लग रहा है। येलो और रेड कलर का ट्यूलिप्स है ये। राष्ट्रपति भवन में घास पर चलना मना है, और ये बहुत ही मतलब अच्छा गार्डन है यहाँ। सामने डेलिया, डेलिया के फूल पीले रंग के हैं, और बीच में अच्छे फूल, ये स्टिंग स्टार जाम्बरा है, जाम्बरा है। और ये सारे में बहुत अच्छे अच्छे फूल है। ये गुलाब के फूल, ये पिंक गुलाब है ये। और जो छोटे छोटे गमले हैं ना, उनमें भी अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फूल लगाए गए हैं। बस व्यू तो है ना, यहाँ घूम के बड़े मज़े ले रहा है। ओहो, आहा आहा बा, ये देखो कितना मतलब येलो ट्यूलिप्स है, बहुत सुंदर लग रहा है। इनमें जो छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं वो उनमें सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए हैं, और इसका इसके आकर्षण को और बढ़ा रहे हैं। और ये छोटे गमलों में भी छोटे फूल लगाए गए हैं, रंग बिरंगे, अलग अलग रंग के लगा के इसके कॉम्बिनेशन बनाया गया है, और अच्छा लग रहा है यहाँ। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं बड़े, इन पेड़ों की
जो कटिंग की गई है वो एकदम गोल उसमें की गई है। गाइस ये जो बनाया गया है ये कालीन सारे फूल की पत्तियों से बना रखा है सारा। और ये जो है ना यहाँ कैक्टस के वो पौधे लगाए गए हैं, दोनों तरफ कैक्टस हैं और ये कैक्टस का एक अलग अलग तरह की वैरायटी इसके अंदर लगाई गई है, दिखाई गई है कैक्टस का। ये आप देख रहे होंगे सारे कैक्टस हैं ये, और इन गमलों में भी कैक्टस लगाए गए हैं। इधर अलग अलग तरीके के कैक्टस हैं। अभी हम लेके जा रहे हैं आपको सुगंधित गुलाब उद्यान के अंदर। फ्रेग्रेंट रोजरी है ये पिंक गुलाब, और यहाँ गुलाब की सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी देखने को। ये जो गुलाब के जो फूल हैं अलग अलग तरीके के हैं, इधर पिंक है इधर रेड है। अब अंदर जा रहे हैं, अंदर दिखाएंगे आपको इसका। ये रोज गार्डन के अंदर एक फाउंटेन है सामने, और ये कितना ये फूल हैंगिंग उसमें लगाए गए हैं गमलों के अंदर, लग रहा है जैसे गोभी है, गोभी की तरीके का फूल। ये गाइस ये येलो रोज है, और ये तो नॉर्मल आप देखते होंगे। इधर देखो, इधर ये डबल कलर के हैं, इसमें सफ़ेद पिंक और रेड इस तरीके के गुलाब हैं ये सारे। देखो वो बेल देख रहे हैं, बेल इसका इस नज़ारे के नज़ारे को और ही बढ़ा रहे हैं यहाँ की। ये इसको सिक्योरिटी को देख के बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ इसके सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे करे गए हैं। इस गार्डन के अंदर जो फाउंटेन लगा हुआ है, और यहाँ जो है ना आप इतनी मतलब खुशबू जरूर आ रही है इन फूलों की। ये राष्ट्रपति भवन का बेहद खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही अच्छा इस गार्डन का बहुत अच्छा नज़ारा है। यहाँ ये वो लगाया गया है, घड़ी लगाई गई है, इसमें टाइम है और सारा एंट्री एग्जिट नेट ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। भाई इधर ये फूड कोर्ट एरिया है, और पहली बार ही बनाया गया है, पहले तो मैं आया जब पहले नहीं था कभी। ये राष्ट्रपति भवन की तरफ से ही पानी की व्यवस्था की गई है, पानी के गिलास भी हैं और पानी की बोतल यहाँ लगाई गई है। ये सारा फूड कोर्ट एरिया है, आप यहाँ धूप में बैठ के आराम से चेयर पड़ी हुई हैं खा सकते हैं। यहाँ ये लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट हैं, और ये सारे टेम्परेरी वो बनाए गए हैं यहाँ, तो ये सुविधा भी दी गई है। आप अगर जो अपने घर से अपना स्लॉट बुक करके नहीं आए हैं तो आप यहाँ से विजिटर पास ले सकते हैं, मशीनें यहाँ लगाई गई हैं तो आप यहाँ से आके भी बुक कर सकते हैं। फ्री एंट्री है, आप यहाँ से अपना एंट्री पास ले सकते हैं और अंदर देख सकते हैं जाके। यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है वो सेंट्रल सेक्रेटरीट नज़दीक पड़ता है, तो अब आप वहाँ से है ना ऑटो लेकर यहाँ तक आ सकते हैं। बाकी यहाँ बस वगैरह नहीं आती, ऑटो आती है टैक्सी आती है। वेल हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।